नमस्कार, मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव 2024 से जुड़ी हुई इस वक्त की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। बहुजन समाज पार्टी के बड़े ही दिग्गज नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक इमराज मसूद ने खुला ऐलान कर दिया और दावा भी कर दिया है कि आखिर लोकसभा आम चुनाव 2024 में क्या होने वाला है बहुजन समाज पार्टी का। अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में रहती है तो कितना फायदा रहेगा, अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में नहीं रहती है तो बहुजन समाज पार्टी को कितना नुकसान होगा, ये उन्होंने दावा कर दिया। साथ ही साथ एक और बड़ा बयान दिया जो कि काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, चंद्रशेखर आजाद को लेकर। चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी इमरान मसूद, जो कि बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, तमाम पार्टियों में रहकर, आज वो बसपा में, समाजवादी पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे और अभी बसपा में है, चंद्रशेखर आजाद को लेकर चंद्रशेखर आजाद की तारीफ करते हुए उन्होंने उनके बारे में काफी ज्यादा बड़ी बातें बोली। फिलहाल मेरा निवेदन है, सभी खबरों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और धैर्य बनाकर इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि बहुजन राजनीति और लोकसभा आम चुनाव से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए। फिलहाल आइए हम आपको सभी खबरें विस्तार समझाते हैं। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, हम लगातार शुरू से कहते आए हैं कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन से कभी नुकसान नहीं हुआ। ये बात मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूँ, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर किए, ऐसी कोई बातें हवा हवाई नहीं की हैं। 2014 में बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद नहीं था, जबकि समाजवादी पार्टी में 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 सांसद थे। 2019 में गठबंधन हुआ, बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद बने और समाजवादी पार्टी के 5 ही रह गए। 2 सीटों कांग्रेस के लिए छोड़ी गई, 38-38 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी, पर बहुजन समाज पार्टी ने 10 सांसद जीते। वही समाजवादी पार्टी के 5 सांसद आए। तो आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन से फायदा हुआ था या नुकसान हुआ था। और जो 10 सांसद थे करीब, उसमें से 5 सांसद एक लाख वोट अतिरिक्त पाकर, यानी कि जीत के वोटों से 1 लाख अतिरिक्त वोट पाकर वो जीते थे। कई सांसद 50-50 हज़ार वोटों से जीत हासिल की थी और 1-2 ऐसा सांसद था जो 5,000 या 2,000 वोटों से जीता था। फिलहाल इमरान मसूद ने बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को बड़े टीवी न्यूज़ चैनल के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू दिया और सीधा दावा कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ी तो मुझे ये डर है कि वो बहुजन समाज पार्टी 0 पर ही ना सिमट जाए। ये इमरान मसूद का कहना है, ये हम नहीं कह रहे। फिलहाल इमरान मसूद ने ये बयान दिया, आप उसे भी सुन लीजिए, फिर हम आपसे आगे बातचीत। बंधन करना चाहिए, मैंने कहा ना, अगर संविधान ही नहीं होगा और कल आपके पास वोटिंग राइट ही खत्म हो गए, आपके पास वोट का अधिकार ही खत्म हो गया, तो फिर क्या आप पार्टियां चलाओगे, फिर क्या करोगे आप? तो मतलब ये मान लिया जाए कि आप, आपकी सलाह है कि गठबंधन करना चाहिए। मेरी तो देखिए, आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं समाजवादी पार्टी में जब गया, मैं बार बार बोल रहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करो जी। अखिलेश जी गुरूर तकबर के अंदर थे, अखिलेश जी को घमंड था, सरकार बन रही थी और जब नतीजे आए तो नतीजे सामने आ गए, और उस वक्त भी मेरी बात मानी होती तो सरकार बनती, और इसके भी नतीजे आपके सामने आ जाएंगे, 0 पर आउट ना हो जाए, बस ये खतरा है। करते हैं तो आपने सुना, इमरान मसूद ने बहुजन समाज पार्टी और लोकसभा आम चुनाव से जुड़े हुए सवाल जब पूछे गए तो इमरान मसूद ने साफ कहा कि मुझे डर है कि बहुजन समाज पार्टी अकेली ना रह जाए, बहुजन समाज पार्टी को 0 पर ही नहीं रह जाए। तो ये जो चुनाव है, ये संविधान बचाने को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार विवेक देबरॉय साफ सीधा बयान देते हैं कि संविधान पर बहस करते हैं और एक आर्टिकल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वो एक आर्टिकल लिखते हैं, उसमें संविधान बदलने की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हो किस तरीके से इस देश का माहौल है, और ये लोकसभा आम चुनाव है ना, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ना कि ये लोकसभा आम चुनाव है, ये संविधान वाला चुनाव है। संविधान अगर बच जाएगा, अगर बहुजन समाज पार्टी और ये तमाम राजनीतिक दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से बेदखल कर देते हैं तो संविधान बच जाएगा, अन्यथा संविधान बचाने की ये आखिरी लड़ाई होगी आपकी। तो मेरा निवेदन है, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी साफ सीधा कहती आई हैं कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, पर बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अच्छी पहल रखने वाले और उधर तमाम जो दानिश अली सांसद जैसे, ये चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो, अपनी शर्तों पर शामिल हो, जैसे भी बात
पर मायावती सबके लिए अपने दरवाजे बंद कर देती हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के सांसद और नेता भी मायावती के फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं। अगर वो मायावती नेता, मायावती सांसद, मायावती के फैसलों से खुश होते तो इस तरीके की बयानबाजी टीवी चैनल्स पर बैठकर नहीं करते, क्योंकि इमरान मसूद का कहा गया एक एक बयान आप समझ सकते हो। लखनऊ में एक बैठक हुई, उनको नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने कह दिया मायावती अगर मुझे चौराहे पर कहेंगी सीटी बजा ट्रैफिक को रोक तो मैं ट्रैफिक को भी रोकूंगा, ये सब इमरान मसूद का कहना था। फिलहाल हम बात कर लेते चंद्रशेखर आजाद को लेकर उन्होंने क्या बोला है। चंद्रशेखर आजाद को लेकर उन्होंने बोला है वो आप सुन लीजिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की वो तारीफ कर रहे हैं। एक तो बसपा को लेकर आपके ही प्रभाव क्षेत्र सहारनपुर से एक चुनौती है चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया है भीम आर्मी, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? चंद्रशेखर देखिए अभी चंद्रशेखर अगर ये सोचेंगे वो बहन जी के बराबर हो गए तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बेईमानी है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बहन जी के बराबर तो मैं नहीं, लेकिन आकाश आनंद को वो लेगेसी नहीं मिलेगी, उनका उनकी उनकी जो लड़ाई है वो आकाश आनंद को लेकर की, वो जो वोट जो सत्ता ट्रांसफर है जो विरासत है वो आज जी कभी ऐसा मुझे तो लगता नहीं कोई ऐसी बात। तो अभी तुमसे पूछा गया तो मैंने कहा कि कौन भीम आर्मी कौन पता नहीं है सब, मुझे ऐसा लगता नहीं। देखिए अभी क्योंकि चंद्रशेखर निश्चित रूप से जुझारू है, इसमें कोई दो राय नहीं, जुझारू है और एक पागलपन की हद तक वो लड़ाई लड़ने की काम करता है, उसे ये खौफ नहीं रहता कि मुकदमे लगेंगे ये होगा वो होगा, वो लड़ता है, तो जुझारूपन तो उसके अंदर है, जुझारू है उसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल और इस पर है आपने राहुल गांधी चंद्रशेखर आजाद एक पागलपन की हद तक लड़ सकते हैं और वो जुझारू हैं इसमें कोई दौरा नहीं है। आकाश आनंद ने जो व्यक्त का बयान दिया उसको उन्होंने एक बच्चे की बयान की बच्चे के द्वारा मुंह में से निकली गई बात को इग्नोर कर देते हैं, ऐसे आकाश आनंद की बात को इग्नोर इमरान मसूद ने कर दिया है। फिलहाल इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयोजक भी हैं और उन्होंने आकाश आनंद के बयान को बेदखल कर दिया है और चंद्रशेखर आजाद की तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा कि मायावती टक्कर के अभी है नहीं चंद्रशेखर आजाद, पर चंद्रशेखर आजाद एक जुझारू नेता है, चंद्रशेखर आजाद एक ईमानदार नेता है, चंद्रशेखर आजाद लड़ जाते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं रहती कि बोल केस लगेगा क्या लगेगा, इस तरीके की कोई भी उन्हें टेंशन नहीं रहती, ये इमरान मसूद का कहना है। तो आप समझ सकते हैं इमरान मसूद चंद्रशेखर आजाद जो कि बड़े नेता हैं कांग्रेस में भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, अभी बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा पद स्थापित किए हुए हैं, वो चंद्रशेखर आजाद की तारीफ कर रहे हैं। तो आकाश आनंद ने जो बेतुका बयान दिया है वो बयान कहां तक सही है ये हमको और आपको समझना होगा। फिलहाल आज इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुजन समाज के लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, जिससे कि बहुजन समाज के लोगों की आँखें खुल सकें, बहुजन समाज के लोग समझ सकें कि आखिर क्या है जमीनी हकीकत। इमरान मसूद खुद दावा कर चुके हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी ने सही से फैसला नहीं लिया तो लोकसभा आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी कहीं जीरो पर ही ना सिमट जाए, ये इमरान मसूद का कहना है। फिलहाल इमरान मसूद के इस बयान पर आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें फेसबुक पर, यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरें तमाम बहुजन समाज से लोकसभा आम चुनाव से जुड़ी हुई तमाम आपके बीच आती रहें। फिलहाल आपकी इमरान मसूद के बयान पर क्या प्रतिक्रिया है आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट में दें और इमरान मसूद ने दावा किया है उस दावे में आप कितनी सच्चाई समझते हैं और मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्या मायावती के फैसले से बहुजन समाज पार्टी नेता खुश हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद खुश हैं, वो भी आप अपनी राय कमेंट में देना। फिलहाल आप आज की इस वीडियो में इतना ही, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम।